वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है और घबराहट हो रही है। मुझे पता है लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है, लेकिन कर सकते हो आप लोग, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई रियल हूँ, फुद्दू बनाना नहीं आता मुझे। तो मेरी जो अंग्रेज़ी है ब्रो, मैं जिस कल्चर से हूँ, जिस जगह से हूँ, हमें सब पढ़े लिखे, लेकिन स्टिल पढ़े लिखे के साथ ना, घर में अंग्रेज़ी ना बोली जाए, चीज़ें ना हो जाए ना, तो आपकी अंग्रेज़ी ज़बान पर नहीं चढ़ती। ठीक है ब्रो, ये तुम्हें पता है, लेकिन तुमने कूल बनना है तो बन जाओ, कोई मसला नहीं। अंग्रेज़ी सबको समझ आनी, मैं 5'9" और हाई रिस्क के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ें मिस कर चूँगा और मेरे को हिचकिचाहट होगी और मुझे घबराहट होगी, और ये मेरे अंदर है थोड़ा मसला। वैसे कॉन्फिडेंस लेवल इतना कि नंगा होकर तुम्हारे घर भर जाऊँ वो नहीं, ये बात ये है कि कुछ चीज़ों में बंदे के कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होता है। एमिनम के भी बी साइड, मतलब एल्बम का हिस्सा ही एल्बम ही है, तो वो भी मैंने भी पोस्ट करके सुनी। कितने हैं रैपर्स यार, NF को जो भी मैं सुन रहा होता हूँ, इवन उसकी अंग्रेज़ी इतनी सिंपल होती है, लेकिन स्टिल मैं उसको पोस्ट करके सुन रहा हूँ। तो ये एक देसी बंदे की है मसला, और मुझे पता है तुम में से कई लोग होंगे जिनके साथ ये मसला होगा। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हाई रेजर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने इतना बड़ा कोलैबोरेशन कराया। मैंने ये ट्रैक सुना नहीं था, लेकिन सुनते सुनते अचानक, ये भी मैं सुन ही रहा था क्रॉस रोड, और अचानक कृष्णा का आया, तो मैंने कहा वो भी अंग्रेज़ी में करेगा, लेकिन उसका हिंदी में है, तो मैंने वहाँ पर रोक के थोड़ा सा पीछे किया और मैं रोक गया, ठीक है ना। तो 10 सेकंड आगे गया था, मैंने पीछे कर दिया, ये भी बोल दिया तुम्हें। अब 5'9" था रॉयस, मतलब डोंट यू रेट मी नेक्स्ट टू दिस रैपर्स बिचेस, दैट्स डिग्रेडिंग। मतलब मैं उस बंदे को क्या, मतलब मैं करूँ यार, उस वो जब रैप, मैं खुद शर्मिंदा हूँगा कि उसके वर्स पे मैं ये चीज़ करूँ। और एक होता है यार, एक हेजिटेशन है ब्रो, मेरे को दो मसले होते हैं, एक अंग्रेज़ी का और दूसरा ये जो लाइव आना होता है ना, ये जब मैं सिड अक्सर इंस्टाग्राम पे, अगर उसको तुमने फॉलो किया हुआ, तो मैं वो कहता है कि लाइव आ, तो मैं लाइव आ, तो मेरी घबराहट होने शुरू हुई। एक दफ़ा सनी खान दुरानी के साथ मैं लाइव आ गया, उफ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था, आमने सामने आओ मैं चीख के रहूँ। होता है कुछ चीज़ों में इंसान को होती है हिचकिचाहट। खैर, 2 मिनट तुम्हारे ज़ाया कर दी, जो मैंने समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब 2 मिनट 35 सेकंड पे गाना है, और प्लीज़ यार, बल्कि तुमने मजाक उड़ाना तो उड़ा लो, मेरा कोई मसला नहीं ब्रो, मुझे होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, घबराहट होगी, मैं तुम्हारा फुद्दू काट सकता हूँ इजीली 10 दफ़ा सुन के उसके अंदर से निकाल के, नहीं कि मैंने नहीं काटना, क्योंकि ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो खैर, कृष्णा KR$, सॉरी भाई, रिज भाई, 5'9" दी ग्रेट, माजरत, लेकिन है मेरे साथ ये मसला। स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम से आएगी, यस कमांडो, सॉरी भाई, 3 मिनट 44 सेकंड। मेरे लिए गलतियां है जैसे लड़कियां है, एक बार करी फिर कभी करी दोबारा नहीं, किया पर जिंदगी ने है जीना बहुत, बॉस पर शक्ल से यू कैन सेल अ सीन अ लॉट, जीना पर करी नहीं सीमा क्रॉस, ओनली थिंग सुसाइडल अबाउट मी वो बी माय डॉज। अंग्रेजी था ये भी, फंस गया मुर्शिद में, या धमकी ना खोखली होती, हाथा पाई बेटा संकी या खोपड़ी, सड़क किनारों पे बनती या झोपड़ी, गंदी या सोच और मंत्री या लोमड़ी, राम में भगवान पर मैंने काफी पाप किए, ये एक मिनट रुक जो, लगे जीना पर करी नहीं सीमा क्रॉस, ओनली थिंग सुसाइडल अबाउट मी वो बी माय डॉज। मतलब यही हुआ ना कि जेरे रैपर आके नॉक कर देने, मतलब जो बीफ के चक्कर में पड़ते हैं उनको सुसाइड वो कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, यही है ना ब्रो, अगर गलत हो तो मुझे बता दे। या धमकी ना खोखली होती, हाथा पाई बेटा संकी या खोपड़ी, सड़क किनारों पे बनती या झोपड़ी, गंदी या सोच और मंत्री या लोमड़ी, राम में भगवान पर मैंने काफी पाप किए, नाम है भगवान पर मैंने काफी पाप किए। बार्स इसके पास कहां से आते हैं यार, गाना बिल का पत्थर मैंने रास्ते भी नाप लिए, मुझे बोला जिन्होंने मेरी औकात नहीं है, इस बेगानी शादी पे आज बने वो बाराती है। Got a lot up on my mind, I could really use a sign, because everybody cutthroat, yeah, always wasting all my time, getting really sick of trying, homie, I don't really want smoke, nah, all the choices that I make, I just really gotta pray, because I've been at a crossroads, yeah, I've been at a crossroads.
यार नाम मेरा भगवान की है, मैंने मादर चो मर चो किस तरह ये कर लेता ब्रो, मैं तो दीवाना हूँ, मेरे मुंह ना लगो। अरे बाप रे ब्रो, अरे बाप रे, नाम मेरा भगवान। अभी मैं वो गीता के नाम से डरे ये ऐसे जैसे इन्हें, नहीं क्या था, कृष्णा के नाम से डरे ये ऐसे जैसे इन्हें गीता पसंद नहीं, अब नाम है भगवान। ब्रो की खतरनाक बंदा है यार, मैं नहीं खेलता ब्रो, ये बहुत बड़ी गेम लेके जा रहा है। खैर यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूँ और यहाँ पे मैं रैक ख़त्म भी करता हूँ अपना व्यू शोर, वो ये है कि ब्रो टेंशन नहीं लेनी, दो और रिएक्ट आएंगे इस पे, इसी गाने पे, और मेरे चैनल पे ही आएंगे, और सब्र कर जो भाई, नियाजी एंटरटेनमेंट है, फिर एंटरटेनमेंट तो हमने करनी करनी है, और आज ही आएंगे या शायद कल आएंगे और इसी गाने पे आएंगे, और तुम देख लेना वो, मैं तो दिल नहीं दुखाता मैं किसी का, एहसास मेरे अंदर जिंदा है। तो ब्रो कमाल का ट्रैक है, दोनों का, तीनों का मैंने सुन लिया हुआ है, और अभी एक ही फ्लो में सुना है, हायर इज और 5-9 को मुझे ज़रा, हायर इज का तो मेरे को समझ आ ही गई है, लेकिन वो जो उसने मजहब वाली बात की थी ना कि मेरा मजहब नहीं है ब्रो, ट्यों टीटो पार्टी, म्यूजिक का कोई म्यूजिक वो नहीं है, मज़ेदार चीज़ है ब्रो। खैर मिलता हूँ आप लोगों को यार किसी अगली वीडियो पे, प्लीज़ बुरा ना बनाना, और अगर बना भी रहे हो मैं नहीं कुछ कर सकता ब्रो। मुर्शद क्या डॉलर साइन मालूम है ना, यस कमांड।